हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम्स किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सुपर टेस्टी मुंह में घुल जाने वाला बेसन का हलवा। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आपको हलवा बनाना बताऊंगी। अगर एक बार आपने मेरे तरीके से बेसन का हलवा बनाकर खा लिया तो हमेशा डेजर्ट में आप बेसन का हलवा ही बनाएंगे। रेसिपी को जानने के लिए प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहें। और फ्रेंड्स, आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना। बेसन का हलवा बनाने के लिए लिया है मैंने 1 कप बेसन, आधा कप देसी घी लिया है और 3/4 कप मैंने यहाँ पर चीनी ली है। अब हमने एक पैन ले लेना है और 2 कप इसमें पानी डालेंगे। इस पानी का यूज़ हमने हलवा बनाने में करना है। 1 कप हमने बेसन लिया है तो 2 कप हम पानी लेंगे। पानी में कुछ केसर की पत्तियां डाल लेंगे और बढ़िया से पानी को बॉईल कर लेंगे। केसर डालने से हलवा टेस्टी तो बनेगा ही, साथ में हलवे का कलर भी बहुत बढ़िया आएगा। तो पानी बॉईल हो चुका है, इसको हम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में। अब हम एक पैन लेंगे और पैन में डालेंगे 1/2 कप देसी घी। घी को गर्म होने देते हैं। जब घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स फ्राई करेंगे। फ्लेम को लो रखेंगे और लगातार चलाते हुए ड्राई फ्रूट्स को 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। हमने इनका कलर चेंज नहीं होने देना है, इनको वाइट ही रखना है। 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद हम इनको निकाल लेंगे। तो काजू और बादाम को तो हमने फ्राई कर लिया है, अब थोड़ी सी किशमिश को भी हम फ्राई कर लेंगे। किशमिश बहुत जल्दी पक जाती है, इसलिए हम इनको काजू बादाम के साथ कुक नहीं करेंगे, इनको हम बाद में फ्राई करेंगे। तो देखिए किशमिश घी में जाते ही कैसे फूल गई हैं। इनको भी हम निकाल लेते हैं, ओवर कुक हमने नहीं करना है। अब इसी घी में डालेंगे बेसन। मैंने 1 कप बेसन लिया है और 1/2 कप घी लिया है। बेसन को घी में बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको लगातार चलाते हुए कुक करेंगे। तो देखिए बेसन को हमने घी में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो बेसन हमारा थोड़ा सा अभी थिक लग रहा है, जैसे जैसे ये पकता रहेगा इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पतली होती रहेगी और घी का यूज़ हम इसमें नहीं करेंगे। बेसन को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गई हैं और इसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी पतली हो गई है पहले से। 3 से 4 मिनट तक हमने इसको और पकाना है, जब तक इसका हल्का कलर चेंज नहीं होता और इसमें से बढ़िया सी खुशबू नहीं आती। लगातार हमने इसको चलाते रहना है, ऐसे नहीं छोड़ना है। बेसन को पकते हुए पूरे 6 से 7 मिनट हो गए हैं। अच्छे से बेसन पक चुका है, अब इसी स्टेज में हम इसमें पानी डालेंगे। ये वही 2 कप पानी है जिसको हमने केसर डालकर बॉईल किया था। अब फटाफट से पानी को मिक्स कर लेंगे, नहीं तो इसमें लम्स पड़ सकते हैं। अब हमने थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी है, स्पैचुला हमारा रुकना नहीं चाहिए, फटाफट से हमने इसको चलाते रहना है। पानी मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 3/4 कप चीनी। चीनी को भी हम मिक्स कर लेंगे और इसको मेल्ट होने तक चलाते रहेंगे। चीनी आप चाहे तो पानी के साथ भी घोल कर ले सकते हैं, जिस पानी को हमने बॉईल किया था केसर डालकर, लेकिन मुझे बाद में डालना चीनी ज़्यादा इजी लगता है, इसलिए मैंने बाद में डाली है। तो चीनी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और हलवा देखिए पैन पे कैसे घूम रहा है। परफेक्ट हलवे की यही पहचान होती है कि वो पैन पे चिपकता नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हलवे में। तो सुपर टेस्टी अमेजिंग बेसन हलवा बनकर तैयार है। परफेक्ट कंसिस्टेंसी, परफेक्ट कलर और टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी। यकीन मानिए अगर एक बार आपने ये हलवा बना लिया तो परिवार वाले बार बार इस हलवे की डिमांड करेंगे। आटे और सूजी का हलवा तो हम अक्सर बनाते ही हैं, लेकिन एक बार ये बेसन का हलवा भी ज़रूर बनाना, आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसको गर्मा गर्म खाइए या ठंडा होने के बाद खाइए, दोनों कंडीशन में ये बहुत बढ़िया लगता है। तो आप भी ये रेसिपी बनाना, खाना और कैसी आपको मेरी आज की रेसिपी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।